नमस्कार, स्वागत है आपका। दक्षिण भारतीय अभिनेत्री और भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की बाहर की खबरों के अनुसार गर्लफ्रेंड कहे जाने वाली अनुपमा परमेश्वरन का बिहार के एसटीईटी परीक्षा में शामिल होने का एडमिट कार्ड बिहार बोर्ड ने जारी किया है। इस एडमिट कार्ड पर अनुपमा परमेश्वरन का फोटो साफ दिखाई दे रहा है। 28 जनवरी को बिहार एसटीईटी की परीक्षा होने वाली है। अब बड़ी बात यह है कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि दक्षिण भारतीय फिल्मों में सफलता प्राप्त करने के बाद अनुपमा को बिहार के एसटीईटी की परीक्षा में शामिल होने की जरूरत पड़ी। हम आपको बता दें कि इस मशहूर अभिनेत्री अनुपमा ने इस प्रकार के किसी भी परीक्षा का फॉर्म नहीं भरा था। इस प्रकार के एडमिट कार्ड का आना बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की बड़ी लापरवाही का नतीजा है। दरअसल बिहार के जहानाबाद जिले के भगवानपुर गांव के निवासी ऋषिकेश कुमार ने एसटीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। ऋषिकेश ने फॉर्म में खुद की तस्वीर लगाई थी, लेकिन जब परीक्षा का एडमिट कार्ड आया तो वे खुद भी दंग रह गए। एडमिट कार्ड में उसकी तस्वीर की जगह साउथ इंडियन एक्ट्रेस अनुपमा परमेश्वरन की तस्वीर लगा दी गई थी। एडमिट कार्ड में अपनी तस्वीर नहीं देखकर युवक हैरान रह गया। वो सोमवार को इस मामले को लेकर बोर्ड कार्यालय पहुंचा। सूचना मिलते ही बिहार बोर्ड के कर्मचारी ने उसके प्रवेश पत्र को जमा कर लिया। साथ ही आगे की कार्रवाई का आश्वासन देते हुए नया एडमिट कार्ड जारी करने की बात भी कही है। हैरान करने वाली बात यह है कि एसटीईटी जैसे महत्वपूर्ण परीक्षा में इस तरह की लापरवाही बरती जा रही है और एडमिट कार्ड में साउथ इंडियन एक्ट्रेस की तस्वीर लगा दी गई। इससे बीएसईबी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठते हैं। आपको बता दें कि अनुपमा परमेश्वरन का रिश्ता मीडिया के गलियारों में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के साथ जोड़ा जाता है। इस पर अनुपमा से बुमराह के रिश्ते को लेकर कई बार सवाल भी किए गए हैं, लेकिन एक्ट्रेस अनुपमा परमेश्वरन ने जसप्रीत बुमराह के साथ डेटिंग की खबरों को हमेशा ही अफवाह करार दिया है। साथ ही यह भी कहा कि वे और बुमराह सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। अनुपमा से पहले बुमराह का नाम एक और दक्षिण भारतीय एक्ट्रेस राशि खन्ना से भी जुड़ चुका है। हालांकि एक चैट शो में राशि ने भी इसे अफवाह करार दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती हूं और ना ही कभी उनसे मिली हूं। मुझे बस इतना पता है कि वे एक क्रिकेटर हैं। क्रिकेटर्स और फिल्म अभिनेत्रियों का साथ आना कोई नई बात नहीं है। अतीत में भी कोहली और अनुष्का की खबरें मीडिया में आई थी और लंबे समय तक दोनों ने इस पर कुछ कहने से बचते दिखे थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने रिश्ते को कबूला भी और जीवन साथी भी बने। अब देखना होगा कि अनुपमा और बुमराह के रिश्तों की खबरों में कितनी सच्चाई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी भी जरूर दबाएं। धन्यवाद।